जिस आदमी के चरित्र हत्या में हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसकी आवाज बंद करने के लिए देश भर में मुकदमे किए गए, जिसे डराने के लिए ईडी और सीबीआई भेजी गई, जिसके सवालों से बचने के लिए संसद सदस्यता छीन ली गई, जिसे हटाने के लिए उसका मकान छीन लिया गया, जिसका कवरेज रोकने के लिए चैनल खरीद लिए गए, जिसके जीत रोकने के लिए पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, जिसे हराने के लिए मोदी शाह भाजपा एनडीए और आरएसएस लगा रहा, लेकिन जो डरा नहीं, लेकिन जो रुका नहीं, लेकिन जो झुका नहीं, लेकिन जो थका नहीं और जो बिका नहीं, उसका नाम राहुल गांधी है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, इस चुनाव में अगर कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ झंडा उठाकर अंगद की तरह पाँव गड़ाकर खड़ा रहा तो वो है राहुल गांधी। साल 2014 के बाद आज पहली बार उनको ईमानदारी से अपनी पीठ थपथपाने का अवसर मिला है। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने का फैसला लोकसभा स्पीकर के चुनाव के एक दिन पहले किया गया। इससे साफ है कि विपक्ष अपने तेवर हमलावर रखना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की उपस्थिति में लाल जिल्द वाले संविधान को लेकर राहुल गांधी बोले, लड़ाई संविधान को बचाने की। पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। पार्टी के ये भाव मार्च में उनके रुख से बिल्कुल अलग थे। उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद कठोर रुख में उन्होंने कहा था, आज भारत में लोकतंत्र नहीं है। उस दिन पार्टी की ओर से कहा गया था कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे और पार्टी के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती थी। लोकतंत्र खतरे में है और ईडी सीबीआई जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का सिहनाद लेकर चुनाव में उतरने वाले विपक्ष से शायद ही किसी विश्लेषक को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी। इस चुनाव को विपक्ष के लिए करो या मरो बताया गया था। इंडिया गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी का उपहास करते कई पत्रकार और जानकार थे। दूसरी पार्टियों से संसाधनों में कहीं आगे भाजपा का विशाल बहुमत से सत्ता में वापस आना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अब सुर बदले हुए हैं और ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की चुनौती होगी। 2014 में 44 सीटों पर, 2019 में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस का 99 सीटें जीतना और इंडिया गठबंधन का 234 के आंकड़े तक पहुंचने को विपक्ष के लिए बड़ी सफलता बताया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा भाजपा की कुल सीटों से कम है। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 2% बढ़ा है। कई चुनावी विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में राहुल गांधी ने मुद्दों की जमीन तैयार की और बीजेपी ने अपना चुनावी प्रचार उनके विरोध में बनाया। बात सिर्फ मुद्दों तक नहीं रही, राहुल गांधी के खटाखट जैसे जुमले भी खूब चले। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1,00,000 रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी।
खटाखट 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 हर महीने 8,500 रुपए। शुरुआत में जो चुनाव मीडिया में एक तरफ दिखाई दे रहा था, जमीन पर एक दूसरी इबारत लिखी जा रही थी। इंडिया गठबंधन के इस आंकड़े तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाजवादी पार्टी नेता जावेद अली खान कहते हैं, हम निचले तबके, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, पिछले वर्गों को प्राथमिकता पर रखते हैं। राहुल गांधी भी इन वर्गों के हितों को आगे रखकर बात करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। ये केमिस्ट्री ही थी जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं के निशाने पर रही। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा चुनावी फैसले को मोदी विरोधी मत मानते हैं और कहते हैं कि ताजा आंकड़ों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प का गंभीर दावेदार बना दिया है। करीब 150 सांसदों का निलंबन, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजा जाना, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से अयोग्यता, कांग्रेस के घोषणापत्र और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के लगातार हमले, राहुल को वजह बताते हुए पार्टी नेताओं के इस्तीफे, राज्यों में पार्टी की चुनावी हार, पिछले कुछ महीनों में विपक्ष और राहुल गांधी के समक्ष चुनौतियों की कमी नहीं रही। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के अस्तित्व पर भी सवाल उठे। इंडिया गठबंधन की शुरुआती बैठकों और चुनावी सीटों की तालमेल में देरी, महीनों संयुक्त रैलियों और घोषणा पत्र का ना होना हो पाना विपक्ष के सबसे बड़े संगठन होने के कारण कांग्रेस आलोचकों के निशाने पर रही। बार बार यह कहा गया कि विपक्ष के पास ना चेहरा है ना नैरेटिव। साथ ही भाजपा राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करती रही है जो ऊंचे पदों पर अपनी काबिलियत के बल पर नहीं बल्कि गांधी सरनेम की वजह से पहुंचे थे। साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया, हालांकि कई कांग्रेस समर्थक इससे सहमत नहीं थे। चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बावजूद ये राहुल गांधी ही थे जो अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। उन्हें उस पर विश्वास था कि लोकतंत्र में सबसे पहले आम लोग आते हैं जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना है। राहुल के आलोचक कहते रहे कि वो राजनीतिक ताकत तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। लोकसभा चुनाव के अलावा कई विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े किए। हालांकि बीच में ऐसे भी दौर आते रहे जब पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन चुनावों में जीत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा लगातार आगे रही। राहुल गांधी के लिए भाजपा नेताओं ने पप्पू, शहजादा, ट्यूबलाइट, मूर्खों का सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके बारे में कहा गया कि वो ऐसे डिज्नी के राजकुमार की तरह है जो अपनी ही डिज्नी की दुनिया में रहते हैं और वो पुरानी वैक्सीन है। इतनी जिल्लत, बेइज्जती के बावजूद, इतने सार्वजनिक उपहास के बावजूद टिके रहने के लिए तो उनके 100 में से 200 नंबर है। बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे लेने की जरूरत, इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ये आपने मुझे सिखाया और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे देश का इतिहास है और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये
ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा। लेकिन खाली टीके रहने से कुछ नहीं होता, टीके रहकर डिलीवरी करना महत्वपूर्ण है। अब माहौल बदला हुआ है, कांग्रेस के ताजा आंकड़ों को उस डिलीवरी का सबूत माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को बरसों से देखते परखते आए पत्रकार और लेखक रशीद किदवई कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो बर्दाश्त कर पाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो 4 साल की उम्र से जानते थे। एक एक करके न सिर्फ लोग पार्टी को छोड़कर गए लेकिन उन पर तंज कस के भी गए। कांग्रेस के बेहतर नतीजों के लिए राहुल गांधी की 2 लंबी यात्राओं को काफ़ी श्रेय दिया जा रहा है। राहुल गांधी की 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी और राहुल की छवि के लिए काफ़ी सफल माना गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची इस यात्रा की काफ़ी चर्चा हुई। दूसरे चरण में जब जनवरी में राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की तब इसकी टाइमिंग पर कई सवाल उठे थे। वरिष्ठ पत्रकार किदवई कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जनता से संवाद स्थापित किया, उससे उनको ऊर्जा मिली। जिस तरह से उन्होंने देश को 2 बार नापा उससे उन्हें आत्मविश्वास मिला। अगर इंडिया अलायंस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ज़्यादा सक्रिय होता तो हो सकता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होते। यहाँ यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि कई विश्लेषक न्याय यात्रा को असफल मानते हैं, लेकिन यात्रा में हिस्सा लेने वाले योगेंद्र यादव के मुताबिक न्याय यात्रा पार्टी को उसके सामाजिक आधार की ओर लेकर आई। योगेंद्र यादव कहते हैं कांग्रेस हमेशा से ही समाज के गरीब तबकों की पार्टी रही है, लेकिन उसकी नीतियां और उसका नेतृत्व दोनों उससे अलग हो रहा था। राहुल ने जो किया उससे जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और उसका पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। यात्रा से जुड़े कांग्रेस के कई पदाधिकारी के मुताबिक जब न्याय यात्रा शुरू हुई तो ऐसे बहुत से कांग्रेस नेता थे जिन्हें लगता था कि ये जमीन पर काम करने का, सहयोगियों से बातचीत करने का वक्त है, ना कि यात्रा करने का। लेकिन ये राहुल गांधी ही थे जिन्हें इस पर दृढ़ विश्वास था। उनके मुताबिक यात्रा के वक्त इंडिया गठबंधन बटा हुआ था, लेकिन जब न्याय यात्रा शुरू हुई तब विपक्ष की एजेंडा सेटिंग शुरू हुई और इस यात्रा के दौरान लोगों से मिले विचारों से न्याय पत्र या कांग्रेस के घोषणा पत्र का निर्माण हुआ। इसने 5 न्याय की बात करते हुए चुनाव लड़ा था। इनमें युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों आदि को न्याय देने की बात की गई थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई, किसानों की समस्या, बेरोजगारी का लगातार जिक्र किया। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जावेद अंसारी कहते हैं राहुल गांधी ने देश में मोदी विरोध का माहौल बनाया। उनकी यात्राओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश डाला और लड़ने का जज्बा जगाया। इस चुनाव में राहुल गांधी ने लगातार जाति जनगणना की बात की। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इन नारों ने जरूर कई तबकों में असर छोड़ा। जाति जनगणना की मांग की तीखी आलोचना भी होती रही है। संविधान खतरे में है, राहुल गांधी ने ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले किए। इसका साफ संदेश इस बात को लेकर लोगों तक ये पहुंचा कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो संविधान में संशोधन लाकर आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बात का कोई जिक्र नहीं था और बीजेपी के नेतृत्व ने इसका खंडन भी किया। इसके सामने चुनौती थी कि देश का एक तबका जो कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों को वोट कर रहा है उसे वापस कैसे लाया जाए। किदवई जी कहते हैं साल 1991 में कांग्रेस ने जो आर्थिक सुधार किए थे उससे उसे वोट नहीं मिलते थे। 1996 में नरसिम्हा राव हार गए। साल 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह सुधारों का चेहरा थे, वे गरीब आदमी का चेहरा नहीं थे। राहुल गांधी इस चीज को भाप गए। आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी की निगाहें होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। स्थिति को देखते हुए विपक्ष को ये नहीं समझना चाहिए कि मोदी और भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति फ्लॉप हो गई है। अगर वो फ्लॉप होती तो उनकी संख्या और नीचे जाती। जरूरी है कि कांग्रेस को ऐसा ना लगे कि राहुल गांधी का जादू बोलने लगा है। ताज़ा नतीजों को बेस बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा ना सोचा जाए कि यहां से कांग्रेस के लिए राजनीति आसान हो गई है। जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी उतना ही वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि अभी चुनौतियां शुरू हुई है।
इस बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।